देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको संविधान हक देता है कि आप स्ट्रीट एनिमल्स को, डॉग्स को, काउस को, कैट्स को, बर्ड्स को, मंकीज़ को खाना खिला सकें। यह आपका संविधान का अधिकार है। और ये देखिए, ये एक मैंने साइन बोर्ड दिखा रही हूँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स फीडिंग पॉइंट। आप स्ट्रे डॉग्स के बजाय स्ट्रे एनिमल्स भी लिख सकते हैं। आप ऐसा प्रिंट करवा के, यू नो, लोहे का बनवा के आप वहाँ पे प्लेस करा सकते हैं, या आप स्टिकर्स प्रिंट करा सकते हैं ऐसे। और ये जो जगह है निर्धारित की जाती है AWBI यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से, जो कि हमारा पशु कल्याण का बोर्ड है। ये आपके RWA रेजिडेंट वेलफेयर बोर्ड ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है आपकी हर कॉलोनी की, वहाँ से आप पूछ के उनसे मिल के लगा सकते हैं। अभी तो 24 जून को, आपको पता ही होगा, इसी साल 24 जून को जो केस था डॉक्टर वर्सेस मित्तल का, उसमें ये हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि अभी संविधान और के हिसाब से भी, और उनका हक है डिग्निटी के साथ जीने का, उनको हक है खाना खाने का, पानी पीने का। और वो टेरिटोरियल होते हैं, वो अपने इलाकों के, यू नो, अपने अपने इलाके में हर कोई रहता है और टेरिटोरियल होता है, तो जहाँ वो रहते हैं उसी एरिया में आप उनके लिए ऐसी जगह निर्धारित करेंगे, ठीक है। और अगर कोई खाना दे रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, उनको चोट है, उनको चोट का रोकथाम कर रहा है, तो आप उनको पीड़ा नहीं दे सकते। ऐसा करना भी गैर कानूनी होगा। मैं आपको और बताती हूँ इसके बारे में। हम एनिमल अब्यूज़र जो होता है उनको पनिश कर सकते हैं धारा नंबर 428, 429, 379, 503, 504 के तहत, इंडियन पीनल कोड IPC के तहत 1860 के तहत। इसके अलावा दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के तहत, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड 86। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा संविधान है, उसका आर्टिकल नंबर 21, 19, 25, 26, 27, 28, 48, 51A(g) and 51A(h) इन सब के तहत हमको संविधान अधिकार देता है कि हम इनको खाना खिला सकते हैं, अपनी नदियों का, अपने पेड़ पौधों का ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा अगर हमें कोई रोकता है करने से, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपको अपने हक पता होने चाहिए, और आप जानवरों की सेवा करते रहिए। और यदि आपको कोई रोक रहा है, तंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ़ आप कंप्लेन कीजिए। अदरवाइज़ आप एक आई कार्ड होता है वो अप्लाई कीजिए। आप हमारे को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख सकते हैं कैसा आई कार्ड अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।